हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फैक्ट्री। वैक्सीन के विकास की तीव्र गति के साथ प्रतिरक्षण के ऐतिहासिक मूल अक्सर हम भूल जाते हैं। यही कारण है कि आजकल हर कोई वैक्सीन के बारे में जानता है, बट क्या आपको पता है कि वैक्सीन फर्स्ट टाइम किसने बनाई थी, क्यों, कब और कैसे बनाई थी? खैर, तो आज हम वैक्सीन के इतिहास को परखते हैं। इतिहास में प्लेग, टाइफाइड, रेबीज, टीबी, पोलियो ऐसे बहुत सी बीमारियां रही और अभी भी है, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों की जाने गई है। लगभग 18 सेंचुरी की बात है जब स्मॉल पॉक्स यानी चेचक नामक दुनिया की पहली बीमारी ऐसी रही जो संक्रामक थी, और इससे बचने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन को बनाया गया। जब चेचक यानी स्मॉल पॉक्स दुनिया भर में फैल गया था, तब यूरोप में 1796 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने स्मॉल पॉक्स से पीड़ित लोगों की मदद करने की सोची। उनसे पहले बहुत से साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने वेरियोलेशन के जरिए स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, परंतु 2-3% लोग ऐसे रहे जो वेरियोलेशन के बाद भी स्मॉल पॉक्स से बच नहीं पा रहे थे, और कई लोग कोई दूसरी बीमारी से पीड़ित रहे। एक दिन सारा नेंस नामक डेयरी मेड ने एडवर्ड को बताया कि उनकी दाहिने हाथ पर कोई रैश है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके मिल्कस में से डॉसम नामक गाय काउपॉक्स से संक्रमित है। एडवर्ड ने बहुत सालों तक सुना था कि डेयरी मेड काउपॉक्स के संपर्क में आने के बाद स्मॉलपॉक्स के खिलाफ इम्यूनिटी बना चुके हैं। इसी कारण डेयरी मेड स्मॉलपॉक्स से बीमार होने के बाद भी बच पा रहे थे। डॉक्टर एडवर्ड ने थोड़ा परीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि किसी भी व्यक्ति को स्मॉलपॉक्स के संक्रमण से बचाया जा सकता है। अब पिक्चर में आते हैं जेम्स फिप्स, जो 8 साल के बच्चे थे और एडवर्ड के मालिक के बेटे। एडवर्ड ने सारा के हाथ पर जो रैश था उस पर से थोड़ा पस निकाल के उसे फिप्स के बाह में खरोच दिया। जेम्स फिप्स थोड़े दिन के लिए बीमार हो गए, बट बाद में देखा गया कि वो रिकवर हो चुके थे। इससे पता चलता है कि काउपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रेषित कर सकता है। एडवर्ड ने ट्रांसमिशन प्रयोग का पालन करते हुए 8 साल के जेम्स को सीधे स्मॉलपॉक्स से उजागर कर दिया। उन्होंने ये वेरियोलेशन के द्वारा किया जो 1721 में लेडी मेरी वॉट्सले द्वारा टर्की से इंग्लैंड में लाया गया था। डॉक्टर एडवर्ड ने निसंदेह से राहत ली, क्योंकि जेम्स स्मॉलपॉक्स से संक्रमित होने के बावजूद भी बच गए थे और पूरी तरह से चेचक के खिलाफ अप्रभावित बन चुके थे। इस तरह जेम्स फिप्स ऐसे पहले इंसान रहे जिनको वैक्सीनेट किया गया। 1980 में WHO द्वारा घोषणा की गई कि दुनिया स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो चुकी है। अगर वैक्सीन नहीं बनती तो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इसके अभाव में मारी जा चुकी होती। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।